आज के तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। कश्मीर से हिंदुओं के पलायन का जो दर्दनाक सच फिल्म द कश्मीर फाइल्स से सामने आया, उसके लिए बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने राजीव गांधी को जिम्मेदार ठहराया। ये लोग भूल जा रहे हैं, उस वक्त कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला का अलायंस था और इस अलायंस के दौरान ही ये हादसा होता है, मतलब तीव्र पर पहुंचता है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद इसे राजनीतिक संदेश देने वाली फिल्म बताया और कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए वीपी सिंह सरकार को जिम्मेदार ठहराया, जिसे बीजेपी ने बाहर से समर्थन दिया था। आज भी कश्मीरी पंडित की समस्या वही है, 370 हटा दिए गए लेकिन न उसको बसाने का काम हो रहा है, ना अटल जी की सरकार 6 साल रहता है और अभी 8 साल से मोदी जी की सरकार है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि इस फिल्म ने कई पार्टियों और परिवारों की पोल खोल दी है। कश्मीर फाइल ने कई परिवारों की और कई पार्टियों की दबी हुई फाइल खोल दी है और उनके वो गुनाहों की फाइल है जिन गुनाहों के जरिए उन्होंने कश्मीर को परेशान किया और कश्मीरियों का पलायन कराया। पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के दूसरे ही दिन भगवंत मान एक्शन में आ गए। मान ने शहीदी दिवस के दिन यानी 23 मार्च से एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू करने का ऐलान किया। मान ने दावा किया कि जो नंबर जारी होगा वो उनका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा। इस नंबर पर जिनके भी खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत भेजे जाएंगे, सच पाए जाने पर उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जेकर कोई थोड़े तो रिश्वत मांगता है ता इनकार ना करे, मना नहीं करना, एदी वीडियो जा ऑडियो बना के रिकॉर्डिंग जिहड़ी है उस नंबर ते भेज दियो। मैं तुहानू गरंटी देना कि मेरा दफ्तर जिहड़ा है वो एदी पड़ताल करूगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भगवंत मान के इस ऐलान की तारीफ की। केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य भ्रष्टाचार को खत्म करना है। इसी तरह का हमने ऐलान किया था, मैंने एक नंबर जारी किया था, 49 दिन के अंदर लगभग 30-32 ऑफिसर्स को सजा दिलवाई थी, उनको जेल भेजा गया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली और पंजाब की तरह एक दिन पूरे देश से भ्रष्टाचार खत्म होगा। उत्तर प्रदेश में बंपर जीत के बाद योगी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं। योगी आदित्यनाथ लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। इस समारोह में 45,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। समारोह में 200 से ज्यादा वीवीआईपी शामिल हो सकते हैं। इस मौके का साक्षी बनने के लिए विपक्ष के नेताओं को भी न्योता भेजा जाएगा, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और मायावती भी होंगी। हालांकि पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे दिनेश शर्मा ने इस मुद्दे पर किसी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया। केंद्रीय नेतृत्व या वही बताएगा, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। इस बीच यूपी विधानसभा चुनाव में बंपर जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर पहुंचते ही होलिका दहन भव्य शोभा यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में करारी हार के बाद अब कांग्रेस में एक बार फिर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। G23 में शामिल कांग्रेस के नेताओं के बीच भी लगातार मंथन जारी है। 24 घंटे में लगातार दूसरी बार G23 से जुड़े नेताओं की बैठक हुई। इस बीच आज राहुल गांधी से कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुलाकात हुई। इससे पहले भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के असंतुष्ट गुट G23 की बैठक में भी शामिल हुए थे। ये बैठक दिल्ली में गुलाम नबी आजाद के निवास पर हुई। कांग्रेस नेता TS सिंहदेव ने बयानबाजी के लिए कपिल सिब्बल की आलोचना की और उन्हें पार्टी से निकाल देने की बात भी कही। ऐसे समय विशेष करके जब खुद वो कहते हैं कि चुनौतियों का हमको सामना करना है, वहाँ इस प्रकार की अनुशासनहीनता का अगर वो परिचय दे रहे हैं तो अपनी पार्टी बनाएं। प्रेजेंटिंग B News App, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store. Download it now.